हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। स्टूडेंट्स, हमारे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया था कि सर, हम जॉब करते हैं डेटा एंट्री में, हमारा वो टेम्परेचर कैसे निकाले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर निकालोगे तो उसके आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे लगा के फिर आप यहाँ पे सी लिखोगे, तो इससे क्या होगा, आप फिर इसको यहाँ से छोटा करोगे, फिर आप ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे छोटा करोगे, तो कुछ इस तरीके से वो अच्छे से शो नहीं होगा। ये गलत प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम नहीं करेंगे। इसका एक कमांड होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्टली कैसे करेंगे। इज इक्वल टू, इसमें हमने इसका सेल नंबर ले लिया C3। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड डबल कोड स्पेस डबल कोड, फिर हमने दे दिया एंड कैरेक्टर यूज किया, फंक्शन 176। ये कोड होता है कैरेक्टर के लिए, मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने एंड देने के बाद आपको स्पेस सी आएगा कैपिटल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मूला, ये आपके पास नोटबुक है तो आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादातर टेम्परेचर जो आपका मेजर करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जॉब वर्क में बहुत यूजफुल है। एंटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ये जो सेल्सियस है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर का ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधा ऐसे खींच कर ड्रैग करना है। तो देखिए इसमें टेम्परेचर बता देगा 32 सेल्सियस, 29 सेल्सियस, जो भी होगा ऑटोमेटिकली वो जितना भी बड़ा डेटा हो अपने आप निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये डेटा एंट्री वर्क में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और स्टूडेंट्स हम आपके सामने नए नए वीडियोज़ लाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके सामने ला सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।